पैसा नहीं तो सबसे ज्यादा टैक्स आई यही बढ़ते हैं। माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सारे फ्रेंड बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त हंसते मुस्कुराते होंगे हमेशा की तरह। सो आई एम वेरी हैप्पी। मेरा शूट जो है ख़त्म हो चुका है। आज बहुत ज़्यादा मस्त नहीं फैला क्योंकि मैंने आज बस 4-5 शॉर्ट्स अपलोड नहीं शूट की है, एंड मैंने 2 लॉन्ग वीडियो शूट की। लाइट जलानी है तो अभी जो है मेरा शूट कम्प्लीट हो गया है। देखो ऐसे ऐसे कांड होते हैं कैमरा लेके। सारे काम अपने खत्म कर लिए थे, किचन वगैरह क्लीन करके सब कुछ, बच्चों के शाम के मैंने नाश्ते की तैयारी कर ली थी तो सब कुछ मैंने कर लिया। देखो कपड़े की कितनी कमी होने लगी है, रोज वीडियो शूट करोगे तो रोज आपको कपड़े चाहिए होता। तो आज मैंने अपना सिल्क का ब्लाउज पहना जो बाहर निकला हुआ था एंड सरारा। सो चलो जल्दी से अपने बच्चों के लिए मैं एक क्विक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैंने मैदा, थोड़ा सा दूध, गुड़, काजू और किशमिश को अच्छे से मीन्स मिक्सी में पीस लिया है। और ये सिंगोनियम ना वाटर में बहुत अच्छे से ग्रो होता है, तो अगर आपके घर के आसपास सिंगोनियम है तो प्लीज़ किसी भी कॉर्नर में रखिए, वो कॉर्नर बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो एक दूध को पकड़ने के लिए 2 बंदर देख रहे हैं, इतना सारा। वेट वेट छोड़ो। अभी मैंने सूजी थोड़ा सा ऐड कर दी, ये देखो तो थोड़ा सा क्रंचीनेस आएगा, पहले मेरे दिमाग में आया ही नहीं तो ये हो गया है। सो ये कुछ टेस्टी सा तो बना है मुझे लग रहा है, अब बच्चे खा के रिव्यू देंगे। अभी गरम है, टेबल आगे करो। और ये देखो यहाँ पे मैंने जो DIY करने के लिए वो फर लाया था ना, मैंने यहाँ पे लगा दिया, मुझे रहा ही नहीं गया, मुझे लगा बहुत अच्छा लगेगा। एंड सच बच्चे थोड़ी देर में, क्योंकि ये गर्म है, खा के रिव्यू देंगे कि कैसा बना है। एक सोने पे सुहागा वाली बात ये हुई, देखो मेरा सबसे यूज़फुल गैजेट जो किचन में मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती थी, ये जो है ना ये टूट गया। बहुत साल हो भी गया था, आई थिंक 2-2.5 साल तो हो गया था। आप 300 की चीज़ से कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत साथ निभाया। इसको देखूँगी कोई वीडियो वगैरह की, अगर बन जाए तो बनाऊँगी, नहीं तो फिर मुझे दूसरा ऑर्डर करना होगा। बच्चा फटी टेस्टी? हाँ, आज मेरे दिमाग में इंस्टेंट आया कि कुछ ऐसा बनाया जाए, क्योंकि शाम को पहले मैं कभी भी ऐसा नहीं होता था ना कि मैं नाश्ता नहीं बनाती थी। अभी तो इन लोगों को कभी दूध बिस्किट कभी कुछ कुछ दे देती हूँ, तो आज बहुत दिनों बाद मैंने शाम को, क्योंकि पहले ये लोग सूजी का हलवा बहुत मन से खा लेते थे, हेल्दी रहता था, अब ये सूजी का हलवा खाना नहीं चाहते, तो बड़े हो रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है छोटे बच्चे जो रहते हैं ना उसको हैंडल करना ज़्यादा आसान रहता है, जब बड़े हो जाते हैं ना तो नखड़ा मारता है, डेली पूछता है मम्मा क्या सब्जी बना है, कितना सब्जी का नाम पता है तुम लोगों को, ये बताओ। जब तक बताओगे नहीं कि क्या सब्जी बनाए तब तक चावल के साथ वो अंदर जाएगा नहीं। कल जो है ये बर्थडे बॉय होने वाला है, तो आज इसके लिए पता नहीं किसी ने कुरियर भेजा है, मे बी इसके अंकल ने भेजा होगा। सो अभी रीसू जो है अनबॉक्स करेगा कि इसमें एक्चुअली है क्या। यहाँ से देखो, यहाँ से, हाँ यहाँ से ऊपर से कट करो। लुक एट द एक्साइटमेंट, तो बच्चों की तो बर्थडे की अलग ही एक्साइटमेंट होती है। ये देखो देखो ये क्या है, पेन है कोई, क्या क्या है, पेन है, तो ये पेन रिसीव हुआ है, ये देखा भी सब मिट जाएगा और दम लगाएगी। ये देखे तुम बोला था क्या अंकल को ये पेन? हाँ। के लिए हमको पता था कि यही बोला होगा। बिल्कुल खुश हो गया है, देखो आजकल इसको इतना पेन का कलर का क्रेज हुआ है ना, तो किसी से भी अगर कुछ इसको कोई पूछता भी ना क्या चाहिए तो ये पेन और कलर के बारे में ही बोलता है। एंड पेन भी सस्ता पसंद नहीं आता है इसको, महंगा पसंद आता है। हाँ तो ये इसका फर्स्ट गिफ्ट था और मेरे से इसने पैसा मांगा है कि आप मुझे पैसा ही दे देना, तो अभी तक तो मैंने दिया नहीं है। देखती हूँ कल जब बर्थडे सेलिब्रेट करने जाऊँगी तो इसके लिए मतलब कुछ तो है। अरु तुम्हारा बर्थडे तो बीत गया बेटा, तो गया वो फिर नवंबर में आएगा। सो ये जो है रीसू का केक आ गया है, तो इसको मैं अभी फ्रिज में डाल दूंगी एंड ये केक की अनबॉक्सिंग होगी जब हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तब। कुछ जगह बना के ठंडा ठंडा सा महसूस करने के लिए, और ये डोर को करते हैं बंद,
और इधर मेरी बहन का जो है ब्लॉग चल रहा है, तो अगर आप उसके ब्लॉग को देखते हो तो सपोर्ट करना। सो अभी बाहर जाने की तैयारी हो रही है एंड पवन मेरी बहुत हेल्प करवा देते हैं, लाइक बच्चों को रेडी करना। मुझे लगता है ना मेरी बेटी होती तो मैं उसको मतलब थोड़ा सा मेकअप शेकअप भी कर लेती, लेकिन बॉयज़ है तो उसके पापा ही कर देते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे काम में भी अगर कोई आपका हाथ बटा देना तो बहुत अच्छा लगता है। सो वी आर गेटिंग रेडी एंड द बर्थडे बॉय इज रेडी। रिशु जाता है OOTD आउटफिट ऑफ द डे दिखाओ दीदी। वी ऑल आर रेडी एंड लुक एट द मैस। एक छोटा सा भी बाहर जाना रहता है ना, सबसे पहले जो गंदा होता है वो बेड है। तो आप कंडीशन देख लो मेरी बेड की, इधर मेकअप, इधर वो किसको क्यों। और यहाँ पे मेरी बहन रेडी हो रही है, यहाँ पे मेरे पति देव जी रेडी हो गए हैं। वी ऑल आर इन ब्लैक। इंस्ट्रक्शन मिल गया कि मेरी फोटोज कोई नहीं लेगा, अब तो इनकी फोटोज जूम कर करके लेनी पड़ेगी। देखो मेरे आज्ञाकारी पति को सामान रख रहे उठा उठा के। और कुछ तो पुचका खाना हो गया, पुचका वाज टू यमी। हम लोग पहले ही खा लिए रेस्टोरेंट जाने के पहले, आधा पेट तो फुल हो गया। मेरा तो दांत ऐसा है बाबा जी जैसा, पुचका खाए वो भी फंस गया। दिस इज आवर डेस्टिनेशन द टुडेज वेन्यू शुभम। तो आज फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि कैसा है, आप लोगों को रिव्यू ज़रूर देंगे। तो हम लोग सब यहाँ पे खड़े हैं मतलब होटल के अंदर जाने के लिए। पहले सूट कर लो यार, ब्लॉग करना तो बनता है। इधर करवाए एक कॉर्नर कहीं भी जहाँ पे कंफर्टेबल हो। चेकिंग की कहाँ पे हम लोगों को सीट लेना है। अब कुछ भी फट कितना मुक्ति नहीं तो नहीं यही सही चार बच्चा दो बच्चा अरु हैप्पी। यहाँ पे रिशु अपना केक लाने गया था, क्योंकि केक हम लोगों ने ऊपर रखवा दिया था, बट हम लोगों को ये ग्राउंड वाला ज़्यादा बेटर लगा। इस रेस्टोरेंट में हम लोग पहली बार आए, हमारे घर के पास में ही था बट कहीं आना नहीं हुआ। तो सच में डेकोरेशन एंड सब कुछ बहुत अच्छा था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड थोड़ा सा मैं स्टाइल मारी हूँ, ये है मेरा आउटफिट ऑफ द डे। मैंने एक स्कर्ट एंड क्रॉप टॉप स्टाइल करके रखा है। बस हम लोगों ने अपनी सीट ले ली। यहाँ पे इतना ज़्यादा शोर था कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो हम अपना मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं, ये वेजिटेरियन है तो हमें कुछ वेज ही ऑर्डर करना पड़ेगा। ये पास में था बोल के हम लोग आ गए, क्योंकि पवन को उतना टाइम नहीं था। तो देखते हैं कि हम लोग क्या ऑर्डर करते हैं आज। माई हस्बैंड इज़ लुकिंग सो डैसिंग इन ब्लैक। पापा कैसे लग रहे हैं? पापा हैंडसम लग रहे ना, तभी तो मामा पसंद की थी। सोचो पापा हैंडसम लग रहे ना। मिनी थाली है, वही बूंदी रायता गट्टा का साग आलू प्याज का सब्जी। सो ये है प्रिटी सा केक, रिशु ने खुद अपना चेहरा इसमें ऐड करवाया है, मतलब डोरेमोन ना रिशु। ही इज़ अ वेरी बिग फैन ऑफ डोरेमोन कार्टून। ओ यू आर नोबिता, सॉरी माई मिस्टेक। ओ गॉड ही इज़ ब्लशिंग। बाल सेट करना खत्म नहीं होता क्या? अगले जन्म में ये ना बता क्या था वो बहुत बड़ा हेयर ड्रेसर है, जावेद हबीब। हाँ जावेद हबीब। एंड ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने बर्थडे को लेके, क्योंकि पिछले 2 साल से कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा था कि हम इसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे। एंड इसके चाइल्डिश एक्सप्रेशन तो देखो। Happy birthday dear Rishu, happy birthday to you. Happy birthday.
सो हमारी बहुत ही छोटी सी फैमिली है, हमारी एक छोटी छोटी खुशियों में मैं आप लोगों को शामिल कर रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा वक्त निकाल के मेरे बच्चे को विश करोगे तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम जैसे हैं वैसे ही आप लोगों के सामने आते हैं, कुछ भी वीडियो के लिए एक्स्ट्रा नहीं होता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी फैमिली का एक पार्ट बनिए। तो मैं वेट कर रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी कि कब ऑर्डर आएगा एंड हम खा के मीन्स घर जाएंगे। और सच बोलूँ तो अब दो बस ऐसा लगता है ना कि दोनों बच्चे खुश तो हम भी खुश। अब जो भी होता है बस बच्चों की खुशियों के लिए होता है, जो पेरेंट्स है वो हमसे रिलेट कर पाएंगे। अभी बैठे हुए हैं, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, बस खाना आएगा तो हम लोग खाना खाएंगे। क्या ऑर्डर किए तुम खाने के लिए? मसाला डोसा। मैं इसीलिए मैं इतना मसाला मसालादार बात बोलता है ना। हम लोगों का मेन्यू आ गया है डोसा, और अभी खुशबू और पवन का मेन्यू नहीं आया तो हम लोग वेट कर रहे हैं। कवर प्लेट इज रेडी। आज संडे था तो बाद में इतना ज़्यादा रश हो गया, मैं आपको बता नहीं सकती हम लोग कितने करेक्ट टाइम पे पहुँचे हैं। मतलब थोड़ा बहुत शूट भी कर लिया, केक कटिंग भी हो गई, खाना भी हम लोगों ने खा लिया, उसके बाद जो भीड़ हुई है ना, बिल्कुल बम्पर भीड़ जिसको बोलते हैं। एंड इस रेस्टोरेंट की मुझे एक और बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे जो भी आते हैं, जिनको मन है वो अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो ये अब जितने भी आप यहाँ पे स्टिकी नोट्स दे रहे हो ना, सब ने अपने फीडबैक्स दे के रखे हैं। पैदल पैदल चल रहे हैं आज। मैंने पवन को बोला था स्कूटी वगैरह कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी क्योंकि ये पास में था तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा वॉक भी हो जाएगा, सेलिब्रेशन भी हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। बट रियली द फूड वाज सो सो यमी, बहुत अच्छा था, टेस्टी। हाँ, एंड आपको खाना कैसा लगा? ये देखो बस एक ही रिएक्शन निकलता है, मतलब बात बोलने में पैसा लगता है। थैंक गॉड बात करने में पैसा नहीं, तो सबसे ज्यादा टैक्स पे भी यही बढ़ते हैं। आई लव माय पेरेंट्स। हाँ सॉरी, सबसे कम देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान को, एक्सप्रेस लेस। सो रेस्टोरेंट से निकल के हम यहाँ पे आए हैं थोड़ा सा ठंडा शंडा पीने। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपना जो ऑर्डर है वो प्लेस कर दिया है। ये भी हमारे घर के बहुत नज़दीक में है, बहुत दूर में नहीं है, कैफ़े है एक। तो हम लोगों ने कोल्ड कॉफ़ी विथ वनीला आइसक्रीम ऑर्डर करा है क्योंकि बच्चों का बहुत मन था। एंड ये ट्रीट जो है उसकी मासी की तरफ से है, क्योंकि इसकी मासी बहुत ज़्यादा ज़िद करने लगी कि ये ट्रीट जो है मैं ही दूंगी। पवन ने पैसे भी दिए बट उसने रिटर्न कर दिया। एंड इतना महंगा क्लच है तो दिखाना तो बन है। ये है मिडिल क्लास फैमिली। लेकिन मुझे एक बात लगती है, कौन कौन से आप मुझसे अग्री करते हो बताना, कि मिडिल क्लास की एक बात बहुत अच्छी होती है ना, हम हर जगह फिट हो जाते हैं, चाहे माहौल कैसा भी हो हम एडजस्ट होना चाहते हैं। रीशु का ऑर्डर, अरु का ऑर्डर, हाँ चेस कर लो। हम ले रहे हैं। सो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, मेरी छोटी सी गेट टुगेदर, या फिर ये बोलो कि छोटी सी बर्थडे पार्टी। तो बस अगर ये ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, मेरी इस छोटी सी फैमिली का पार्ट बनिए एंड इस फैमिली को बहुत बड़ा कर दीजिए। थैंक यू।